Hey guys, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे होंगे। अभी मैं हूँ सेक्टर 75 ए, जहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टी दिखाने वाला हूँ। MR SCO प्लॉट्स है, कमर्शियल SCO प्लॉट्स है, सेक्टर 75 ए SPR रोड से बिल्कुल पास में है। सामने SPR रोड आपको देख रहे हैं, 150 मीटर SPR रोड। ये आप जो फ्रंट पे MR के जो रोड देख रहे हैं, ये 60 मीटर सेक्टर रोड है, जो कि न्यू SPR रोड इसको बोल सकते हैं। तो काफ़ी बेटर लोकेशन है, कुछ इस तरह का सेगमेंट्स होने वाला है। इसके बाद आपको ड्रोन शॉट्स दिखाऊंगा। प्रोजेक्ट की बात करते हैं, 4.5 एकड़ का लैंड बैंक है जो कि रेडा आया हुआ है। यहाँ पे MR का काफ़ी अच्छा लैंड बैंक है। ये सामने आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं, अमेरिकन एक्सप्रेस के अपकमिंग जो हेडक्वार्टर ऑफिस है यहाँ पे गुड़गांव के अंदर, ये सामने आपको बन रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको DLF कॉरपोरेट ग्रीन का यहाँ पे एक ऑफिस है, सामने आपको कमर्शियल है। उसके बाद यहाँ पे M3M का कॉर्नर वॉक नेम से यहाँ पे प्रोजेक्ट है, एंड स्काई वॉक नेम से ऊपर रेजिडेंशियल है। तो कुछ इस तरह का लोकेशन होने वाला है। ये 4.5 एकड़ का लैंड बैंक है, MR 75 ए लोकेशन है, जो कि SCO प्लॉट्स है 4.5 एकड़ में। टोटल जो प्लॉट की बात करें तो 53 प्लॉट्स इसमें अवेलेबल है, जो कि साइज अलग अलग है, जो कि अंदर मैं आपको बताऊंगा, लोकेशन भी अंदर दिखाऊंगा। तो चीज़ें कुछ इस तरह का सेगमेंट्स होने वाला है। आप देख सकते हैं MR इंडिया EBD, MR बिजनेस डिस्ट्रिक्ट EBD का फुल फॉर्म है। सेक्टर पड़ता है 75 ए। इस साइड में बैक हैंड साइड में जो है आपको हिल्स आपको आ जाएगा, अरावली हिल्स, तो SPR रोड के मिडिल में है। तो MR का जो एक्सटेंशन रोड पे है, अलग अलग प्रोजेक्ट है। अगर वाटिका चौक से उधर जाते हैं एक्सटेंशन रोड पे, तो MR पाम हाइट्स, पाम ड्राइव, अलग अलग प्रोजेक्ट है MR का भी। यहाँ पे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट है, तो काफ़ी प्रोजेक्ट उन्होंने डिलीवर किया हुआ है। इस तरह का सेगमेंट होने वाला है। SPR रोड आपको बिल्कुल यहाँ पे सामने दिख रही होगी, जो कि वाटिका चौक से स्टार्टिंग है SPR रोड, जाकर NH8 पे एंड होता है। NH8 के बाद जो रोड जाती है एक्सप्रेस वे से कनेक्टिविटी है, उसको CPR बोलते हैं, सेंट्रल पेरिफेरल रोड। तो वहाँ पे आपको क्लोबर लीफ आपको मिल जाएगा, जो 4 राउंड में है। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, कुछ इस तरह का क्लोबर लीफ है जो ड्रोन से निकाला हुआ ये शॉट्स है। तो काफ़ी बेटर व्यू दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। कुछ इस तरह का सेगमेंट्स होने वाला है क्लोबर लीफ का, तो बिल्कुल पास में क्लोबर लीफ है। उसके बाद इधर में जाते हैं तो आपको वाटिका चौक और राजीव चौक, लोकेशन एडवांटेज यहाँ से भी काफ़ी बेस्ट आपको है। द्वारका एक्सप्रेसवे से डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, सबसे प्लस पॉइंट है। उसके बाद NH8 है, उसके बाद SPR रोड से कनेक्टिविटी, एक्सटेंशन रोड है, तो अलग अलग लोकेशन यहाँ से बेस्ट जो कनेक्टिविटी होने वाली है। SPR रोड की जो बात अगर मैं बोलूँ, तो आने वाले टाइम में इसमें भी आपको काफ़ी बेटर डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे, और भी बेटर। तो चलता हूँ आपको अंदर, लोकेशन एडवांटेज एंड कनेक्टिविटी और भी बताता हूँ, क्या इसमें साइजेस होंगे SCO में वो मैं आपको दिखाता हूँ, और कैसा ये लेआउट्स वगैरह दिखता है वो दिखता हूँ। चलता हूँ आप, तो मैं आ गया हूँ अभी, आपको लोकेशन एडवांटेज बता रहा हूँ। कुछ इस तरह का सेगमेंट्स होने वाला है। जो मैप आप देख सकते हैं, यहाँ पे NH8 और पार्ट आपको राजीव चौक यानी कि देरी की तरफ जाता है। यहाँ से राजीव चौक से आकर यहाँ पे टोटल हाईलाइट्स आपको दिया होगा। NH8 है, NH8 के बाद ये ग्लोबल लीफ है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ग्लोबल लीफ। ये आपको SPR रोड है, ये सेक्टर 75 है, 4.5 एकड़ का लैंड बैंक है। यहाँ MR के पास काफ़ी अच्छा लैंड बैंक है। आने वाले टाइम में यहाँ पे 76 में वाइटलैंड का प्रोजेक्ट है, DLF PNT बढ़ने वाला है, उसके बाद DLF का प्रोजेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे आप कुछ इस तरह का सेगमेंट देख सकते हैं। उसके उस साइड आपको एक स्टेडियम मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे DLF अल्मीडा का प्रोजेक्ट है, और कुछ आगे जाते हैं SPR रोड पे, और उसके बाद अपकमिंग अमेरिकन एक्सप्रेस का ऑफिस है बिल्कुल इसके फ्रंट पे, जो MR EBD सेक्टर 75 ए का जो लैंड बैंक है, जो SCO प्लॉट्स का जो प्रोजेक्ट आया हुआ है 75 ए में, उसी के अपोजिट में यानी कि मिडिल में SPR रोड है, साउदर्न पेरिफेरल रोड। उस साइड आपको अमेरिकन एक्सप्रेस का जो अपकमिंग हेडक्वार्टर बन रहा है वो बिल्कुल पास में है, जो कि ऑपरेशनल होने के कगार पे। तो कुछ इस तरह का लोकेशन होने वाला है, अच्छा लैंड बैंक है, पेमेंट प्लान भी काफ़ी फ्लेक्सिबल है, 2080 का पेमेंट प्लान है। कॉस्टिंग क्या होगा, कॉस्टिंग के रिगार्डिंग आप ऑन कॉल डिस्कस कर सकते हैं, दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, डिस्कस कीजिए। आप अगर एक SCO प्लॉट्स देख रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने फ्लोर वाइज रजिस्ट्री भी अब इसको अप्रूवल देने वाली है, तो उसके बाद आपको बेनिफिट काफ़ी बेटर मिलने वाले हैं, क्योंकि आप एक SCO प्लॉट्स परचेज कर कंस्ट्रक्शन विद कंस्ट्रक्शन यानी कि बिल्डर का जो कॉन्सेप्ट होता है, कंस्ट्रक्शन कर भी देते हैं, विदाउट कंस्ट्रक्शन भी देते हैं, तो अलग अलग रेट होता है, उसके रिगार्डिंग भी आप डिस्कस कर सकते हैं ऑन कॉल। तो सबसे प्लस पॉइंट है कि द्वारका एक्सप्रेस वे वाला पार्ट आपको सेंट्रल पेरिफेरल रोड बोलते हैं, जाके एक्सप्रेस वे पर कनेक्टिविटी है, यहाँ ग्लोबल लीव आपको है, काफ़ी खूबसूरत व्यू है यहाँ से। तो कुछ इस तरह का लोकेशन एडवांटेज होने वाला है। अब चलता हूँ यहाँ के साइट, जो 75 ए का MR EBD का जो साइट प्लान है वो कैसा दिखता है, उस पर मैं नजर डालता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब आ गया हूँ साइट प्लान में। कुछ इस तरह का साइट प्लान MR 75 ए जो EBD का जो कमर्शियल SCO प्लॉट्स है, कुछ इस तरह का साइट प्लान है। यहाँ पे आपको 24 मीटर वाइड आपको सर्विस रोड रहेगा, जो कि MR का पर्सनल रोड है, ये वाला आपको ग्रीन बेल्ट एरिया रहेंगे। उसके बाद SPR रोड है, कुछ इस तरह का A1 A2 करके आपको प्लॉट
का जो हाइलाइट्स है वो यहाँ पर शो कर रहा है। 4.5 एकड़ का लैंड बैंक है, 53 प्लॉट्स इसमें आपको दे रहे हैं एमआर की तरफ से। रेट की मैं बात करूँ तो जो मिनिमम रेट है यहाँ पे 6 लाख पर स्क्वायर यार्ड का रेट एमआर की तरफ से आ रहे हैं, जो कंपनी का आस्किंग रेट है। बाकी अदर चार्जेस और क्या पेमेंट प्लान होगा नहीं होगा वो आप ऑन कर डिस्कस कर सकते हैं, जैसा कि हर बार करते हैं आप। उसके लिए साइड विजिट के लिए आप शेड्यूल कर सकते हैं। कुछ इस तरह का सेगमेंट्स होने वाला, आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइलाइट्स वगैरह, ये टोटल हाइलाइट्स है। इस यहाँ आपको 60 मीटर वाइड रोड है जो कि स्टार्टिंग में मैं आपको दिखाया हूँ। उसके बाद फ्रंट पे आपको 12 मीटर का वाइड आपको सर्विस लेन रहेगा, उसके बाद ग्रीन बेल्ट एरिया रहेगा। कुछ इस तरह का सेगमेंट्स होने वाला है कि जो रेडा अप्रूव्ड है 4.5 एकड़ में, और जो इनके पास लैंड बैंक है वो रेडा के, और रेडा आने के बाद और भी यहाँ पे चीज़ें आने वाली है, जो कि रेडा आएंगे जो चीज़ें का तो वो उस टाइम में डिस्क्लोज होंगे। तो कुछ इस तरह का एसयूवी का सेगमेंट्स होने वाला है। ये रहा लेआउट्स एंड सेगमेंट्स। यहाँ पे आप जो लेडीज पर आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल हाईलाइट्स MREBT सेक्टर 75A मास्टर प्लान, ये टोटल हाईलाइट्स आप पोस्ट करके रेट कर सकते हैं। कुछ इस तरह का सेगमेंट्स होने वाला है गाइस। राजीव चौक भी यहाँ से पास में है, आपको सोना जाना है एंड NH8 से आप दिल्ली जयपुर कहीं जाना हो तो अच्छी कनेक्टिविटी है। उसके बाद जो यहाँ पर नियर बाई विजनिटी में जो डेवलपमेंट हो रहा है वो काफ़ी पेटर्ड हो रहे हैं। अमेरिकन एक्सप्रेस का हेडक्वार्टर, आपको जो अपकमिंग हेडक्वार्टर है बिल्कुल पास में बन रहे हैं। अलग अलग बिल्डर की प्रॉपर्टी है यहाँ पे, 77 में BM3 की प्रॉपर्टी है, गोदरेज आया हुआ है, DLF 76 में एंट्री मारने वाले हैं। तो इस लोकेशन पे 4 से 5 सेक्टर है, तो आने वाले टाइम में काफ़ी बेटर डेवलपमेंट होने वाला है। एज अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बेस्ट कॉन्सेप्ट होगा आपके लिए। इस लोकेशन पे आप अगर SEO प्लॉट्स या रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल कोई भी चीज़ अगर सर्च कर रहे हैं, SPR रोड, लाइक एक्सटेंशन रोड, कि कोई भी सेक्टर हो तो उसके रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी हो तो ऑन कॉल डिस्कस कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, ऑन कॉल डिस्कस कीजिए। तो गाइस अभी तक के वीडियो में आपने देखा, साइट विजिट किया, उसके बाद यहाँ प्रोजेक्ट का हाइलाइट्स आपने देखा, कुछ इस लैंड बैंक देखा, टोटल चीज़ यहाँ पे लोकेशन एडवांटेज आपने समझा। तो अब यहाँ से मैं चलता हूँ नियर बाई विजिनिटी का जो ड्रोन शॉट्स से एनालिसिस करता हूँ, कैसा यहाँ का जो व्यू है वो दिखता है। तो कुछ इस तरह का व्यू दिखने वाला है, तो मैं चलता हूँ आपको अब ड्रोन शॉट्स पे, आपको दिखाता हूँ कैसा व्यू दिखता है। तो ऑलराइट गाइस, मैं आ गया हूँ अब ड्रोन शॉट्स पे। कुछ इस तरह का लोकेशन है, सामने आपको सेल्स कैडी दिखाई दे रहा होगा, सेक्टर पता है आपको 75A, राइट साइड में जो ब्लैक टॉप का काम है, ये 24 मीटर की रोड है। इधर आपको बिल्कुल फ्रंट पे दिखाई दे रही होगी, ये 24 मीटर की रोड है जो 60 मीटर वाइड रोड से कनेक्टिविटी है। सेक्टर रोड है, न्यू SPR रोड भी इसको बोल सकते हैं, जिससे जैसे कि आप उस पर कार देख रहे हैं। ये SPR रोड है प्रॉपर साउदर्न पेरिफेरल रोड। बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगे तो आपको ग्लोबल लीव एंड द्वारका एक्सप्रेस वे NH8 मिल जाएगा। ये रहा प्रोजेक्ट 75A MREBD सेक्टर 75A, यानी कि SEO प्लॉट्स यहाँ पे MR ने लॉन्च किया। 4.5 एकड़ का लैंड बैंक है, एक अच्छा लैंड बैंक है। कुछ इस तरह का सेगमेंट्स रहेगा नियर बाई विजिनिटी में, तो अच्छा यहाँ लैंड बैंक है। अभी 4.5 एकड़ में प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किया हुआ है, SEO है, कमर्शियल SEO प्लॉट्स। तो गवर्नमेंट ने इसको अप्रूवल मिलने वाला है, जो फ्लोर वाइज रजिस्ट्री है। ASPR रोड का व्यू है सामने आपको, M3 की प्रॉपर्टी, आपको कमर्शियल कॉर्नर ब्लॉक दिख रहा होगा। यहाँ पे अपकमिंग अमेरिकन एक्सप्रेस का हेडक्वार्टर जैसा कि बिल्कुल आपके सामने दिख रहा होगा। तो अच्छा डेवलपमेंट होने वाला है इस नियर बाई जो सराउंडिंग में अगर डेवलपमेंट देखेंगे तो। ये ASPR रोड का व्यू है, ये प्रोजेक्ट के बिल्कुल सामने का व्यू आप देख सकते हैं। कुछ इस तरह का 60 मीटर की रोड है, बिल्कुल ऊपर वहाँ पे आपको मंदिर भी दिखाई दे रही होगी। सामने आपको BMW का सर्विस सेंटर है, और ये SPR रोड का व्यू। यहाँ पे M3M की प्रॉपर्टी है, लेफ्ट साइड में कॉर्नर वॉक नेम से है। इसके रिगार्डिंग में कोई गोरी हो तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अमेरिकन एक्सप्रेस का हेडक्वार्टर, बिल्कुल आपके सामने ये। तो ये आने के बाद अपकमिंग है, तो आने के बाद यहाँ जो प्रोजेक्ट का जो रेट होगा काफ़ी ज़्यादा जाने वाले हैं, यानी कि अप्रिशिएशन आने वाले हैं बेस्ट। तो एक अच्छा लोकेलिटी है, 60 मीटर वाइड रोड का व्यू है। सामने प्रोजेक्ट आपको राइट साइड में दिख रहा होगा, बिल्कुल इसके पास में पेट्रोल पंप भी आपको है जो भी ऑपरेशनल है। ये आपको चल जाएंगे आपको 77 चल जाएंगे, यानी कि न्यू SPR रोड से इसको बोल सकते हैं। 60 मीटर वाइड रोड है जो कि MREBD ये बिल्कुल सामने सामने है। दो आपको एंट्री एग्जिट पॉइंट आपको मिल जाएगा, एक SPR रोड से, एक न्यू SPR रोड से। तो कुछ इस तरह का सेगमेंट्स रहा। तो ऑलराइट गाइस, वीडियो काफ़ी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अगर बेस्ट लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक कर दें। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट रियल एस्टेट के बेस्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।